नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्कूलों की स्वतंत्रता दिवस की सीरीज में आज राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सामदो बहुत ही बेहतरीन विद्यालय आपके सामने है और प्रिंसिपल श्री रामफल जी मलिक और सरपंच श्रीमती मनीषा जी, पत्नी श्री राजेश शर्मा जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का बेहतरीन कार्यक्रम मनाया गया और गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की रीना सुपुत्री सतपाल जी ने ध्वजारोहण किया और लड़कियों को प्रेरणा दी। मैं बता दूं, ये लड़की मेरे पास पढ़ी हुई है। जी हाँ, अनुशासन, परीक्षा परिणाम, सांस्कृतिक गतिविधियां, पौधारोपण, स्काउट गाइड, खेल, सभी क्षेत्रों में अव्वल है हमारे गाँव सामदो का सरकारी स्कूल। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में इस वर्ष जींद जिले में सबसे ज्यादा मेरिट लाने वाला भी ये स्कूल है, जिसको सम्मानित किया गया और बाद में विद्यालय में यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया गया। इस विद्यालय को यहाँ तक लाने में श्री सतवीर शर्मा जी, श्रीमती सुदेश शिवाज जी जो अब बीओ हैं और श्री रामफल मलिक जी जो वर्तमान में इसके प्रधानाचार्य हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, तो इस विद्यालय के प्रांगण में ये ध्वजारोहण किया गया और आप देख सकते हैं भारी संख्या है बच्चों की यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चे लगभग 600 से ज़्यादा हैं और बड़े ही डिसिप्लिन्ड अनुशासित बच्चे हैं और विद्यालय बहुत सुंदर, बहुत उत्तम किस्म का विद्यालय ये तैयार किया गया है और इस गांव का और विद्यालय का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आमतौर पर जो सरकारी स्कूलों में, ये देखिए कल्चरल प्रोग्राम विद्यालय के आप देख सकते हैं, अभी फोटो हैं, और आमतौर पर जो सरकारी स्कूलों के प्रति धारणा होती है लोगों की कि यहाँ पर अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण नहीं मिलता बच्चों को, तो वो सारी धारणाओं को ये विद्यालय नकारता है। जी हाँ, यहाँ पर ग्राम पंचायत का और विद्यालय का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन शुरू से ही है और गांव हमारा पूरा ध्यान देता है। जैसे जो पहले ग्राम पंचायत रही है और अब जो वर्तमान ग्राम पंचायत है, तो शुरू से अब तक हमारे गाँव का इसके सभी कार्यक्रमों में, इस विद्यालय को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सहयोग रहता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके सामने ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारे गांव के लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाई है। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम गाँव का था सरकारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और इससे दूसरे जो लोग हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सामदो का सरकारी स्कूल और सामदो जो गांव है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है, आदर्श है एक हरियाणा के सभी गांवों के लिए, सभी सरकारी स्कूलों के लिए, कि किस प्रकार से अगर गांव चाहे तो अपने विद्यालय को उत्तम बना सकता है। ये बीच में एक छोटा सा गांव है सामदो और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल इस गाँव में, आसपास के सभी गाँव की बजाय इस गाँव में आर्ट के साथ साथ साइंस स्ट्रीम भी है। जी हाँ, और यहाँ पर छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है और रिजल्ट आपने देख ही लिया, 38 मेरिट जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया बच्चों ने। कितना, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन इस विद्यालय का कार्य है और सरकारी स्कूलों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि गाँव का सहयोग और इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की एकजुटता और मेहनत और लगन, ये मिलकर कार्य करते हैं और सरकारी स्कूलों को आगे ले जाने के लिए, उनके नाम को बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही जरूरी होता है सबका कॉम्बिनेशन बनाना। और ये आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए बैठने के लिए। और ये ग्रामीण देखिए आप सामने बैठे हुए हैं, इसमें हमारे प्रधान पवन जी और उप प्रधान रणधीर जी और गाँव के बुजुर्ग, ये सारे प्रोग्रामों में भाग लेते हैं बिल्कुल और बढ़ चढ़ कर करके एकदम से। ये आप देख सकते हैं देशभक्ति की भावना और देशभक्ति के चार्ट यहाँ पर बनवाए जाते हैं बच्चों से, ताकि हम देश प्रेम बच्चों को सिखा सकें। और अभी जो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था उसमें भी इस विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और पहले भी इस विद्यालय ने समय समय पर किसी प्रकार की गतिविधि, ये देखो कितना सुंदर चित्र इस विद्यालय के बच्चों ने बनाया हुआ है चंद्रशेखर आजाद जी का। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद शपथ दिलाई गई बच्चों को कि किस प्रकार से हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, किस प्रकार से हमें जीवन में सभी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, स्वच्छता रखनी है, देश के मूल्यों का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है, बड़ों का आदर करना है। और यही संस्कार इस विद्यालय में सिखाए जाते हैं जो यहाँ का मूल मंत्र है। जी हाँ,
किस प्रकार से बच्चों ने एकजुटता दिखाई है। और ये देखिए पेंटिंग कंपटीशन इस विद्यालय में होते हैं और इसमें बच्चे भाग लेते हैं, हर तरह की गतिविधि इस विद्यालय में करवाई जाती है और किसी मायने में ये किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। इसलिए इसमें छात्रों की संख्या भी इतनी ज़्यादा है और गांव के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में ये विद्यालय अपनी बेहतरी दिखाता है। मुझे अब भी याद है कि जब इस विद्यालय में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम आई थी तो विद्यालय की प्राचार्य उस टाइम श्रीमती सुदेश श्रीवास्ती थी और सरपंच श्री वजीर सिंह जी थे। तो उन्होंने वजीर सिंह जी को बोला था कि आप यहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराइए ताकि ये स्ट्रीम बनी रहे। और उस समय हमारे गांव में इतने बच्चे नहीं थे क्योंकि गांव छोटा है। तो मैंने, रणधीर जी ने और वजीर सिंह जी ने मिल के आसपास के गाँव में कैंपेन चलाया था और बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया था। और मैंने जब तक यहाँ पर कोई नया अध्यापक नहीं आया, व्यवस्था नहीं हुई, तो तब तक मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लासेस भी ली थी। तो बच्चों के लिए, हमारे गांव का हर व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है, इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता है और हमेशा अपना सहयोग देने के लिए अग्रसर रहता है। और इसी कारण से विद्यालय आगे बढ़ रहा है और ये पूरे हरियाणा के और आसपास के राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार से एक सरकारी विद्यालय में इस तरह की अच्छी व्यवस्थाएं, इतनी बड़ी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग और बच्चों के समुचित विकास की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है अगर ग्राम पंचायत, गांव के लोग और विद्यालय में जो नियुक्त स्टाफ है वो पूरा डेडिकेटेड हो और बच्चे डिसिप्लिन बना के रखें। ये देखिए, बच्चों को समय समय पर शैक्षिक भ्रमण के लिए भी ले जाया जाता है, टूर पर बच्चे जाते हैं, हमारी संस्कृति धरोहर का ज्ञान उनको होता है, सामाजिक परिवेश उनका बढ़ता है और बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिलता है। ये देखिए, विद्यालय में पौधारोपण भी किया जाता है और ये नवदीप जी और अनिल जी पौधारोपण करते हुए, ये दोनों बहुत ही मेहनती अध्यापक हैं। यहाँ पे सारा स्टाफ ही डेडिकेटेड है लेकिन इनका नाम बिल्कुल आगे रहता है। ये अनिल जी देखिए किस प्रकार से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और विद्यालय में जो बच्चे किसी भी स्तर पर अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था होती है। पुरस्कार का बड़ा ही महत्व होता है, बच्चों को जब सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है तो उनका हौसला बढ़ता है और उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है जिससे उनके कार्य करने के तरीके और क्षमता में बदलाव आता है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये कार्य बखूबी किया जाता है, इसमें विद्यालय का स्टाफ और प्राचार्य जी, विशेष रूप से मैं उनका आभारी हूँ हमारे गाँव की तरफ से। जी बीच बीच में हमारा गाँव ये सब यूज कर रहा हूँ तो आप को बताना चाहता हूं कि मैंने इसी विद्यालय से प्राथमिक कक्षाएं पास की हैं। उसके बाद छठी क्लास में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था तो मैं वहां चला गया था और ये मेरे लिए देवभूमि से कम नहीं है, मेरे लिए शिक्षा भूमि है। तो मैं इस विद्यालय के लिए जो भी कुछ कर सकूंगा मैं करता रहूंगा। तो ये देखिए किस प्रकार से विद्यालय में बच्चों के लिए समय समय पर जो प्रोत्साहन का कार्यक्रम किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्षेत्र में बच्चों ने उपलब्धि हासिल की हो उनको सम्मानित किया जाता है। प्राचार्य जी इस काम में बिल्कुल अग्रणी रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में निरंतर ये स्कूल आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सामदो गांव के सभी निवासियों को, सभी बच्चों को बधाई देता हूँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए सभी अध्यापकों को बधाई देता हूँ और नवोदय क्रांति चैनल की तरफ से अनिल जी और नवदीप जी का हार्दिक आभार, सरपंच पति श्री राजेश जी का आभार, दिनेश जी बीआरपी का आभार जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग किया। और बच्चों की खेलकूद की गतिविधियां देखिए, इसके बाद आप देखेंगे एक दो क्लिप बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की है, उसका आनंद जरूर लीजिएगा। और मेरी दुआ है ये विद्यालय ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छूते रहे, आगे बढ़ता रहे। सामदो के सभी ग्रामवासियों को और इस विद्यालय के सभी स्टाफ को बधाई।